और ये तो भैया मेरे पीछे नहीं छोड़ी, कब पता लगेगा बेटा, कब घुसेगी तू, कभी मेरे को मालूम पड़ेगा टाइम आने वाला है, अपने को कब मालूम पड़ेगा टाइम आने वाला है, कोई दोगी कि नहीं, कोई बताओगी कि नहीं। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का दिन है और मैं उठ गई हूँ, चिट्टी खाना खा रही है यहाँ पे, अभी कोको से लड़ी है और कोको को उसका खाना चाहिए था, चिट्टी को अपना खाना नहीं खाना, बिना कंपटीशन के वो मानती नहीं है, तो कंपटीशन में अब अपना फटाफट खाना खा रही है, थोड़ा सा नीचे भी घूम के आई है और मैं बहुत अच्छा नहीं फील कर रही आज। वो तो मुझे पता ही है, तुम क्यों अच्छा फील नहीं कर रही, तुम्हें कहीं बाहर जाना होगा, तुम्हें कोई टी शर्ट चाहिए होगी, कोई नाइट सूट चाहिए होगा, शूज चाहिए होंगे। मेरा मन मर गया इन चीजों से भी। मन मर गया? अच्छा नहीं, अजीब अजीब से सपने आए हैं, रोज पापा के सपने आ रहे हैं मेरे को, रोज, आज तो हद ही हो गई। क्या सपना आया आज? बता नहीं सकती। और उधर देख लो, अब वो घर ना चेरी ले रही है ना कैंडी ले रही है, वो घर जो है गवर्नमेंट के हाथ में चला गया है। वो प्रॉपर्टी किसी के नाम की नहीं है, वो गवर्नमेंट की होगी प्रॉपर्टी। चेरू, आपको तो उस घर में सोना था ना, क्या हुआ अब वो नहीं सोएगी तो तू भी नहीं सोएगी? बेबी, मेरे को लग रहा है ना एंड में इस घर में मैं ही सो रही होंगी, तुम और मैं सो रहे होंगे और इसके बच्चे बाहर घूम रहे होंगे, दो दो कौड़ी के बच्चे। अभी कैंडी को झांसा देके कि कोको को खाना खिला देते हैं, ये खाना खिलाया है। तुम्हारा वर्कआउट कितने बजे? मेरा मन नहीं कर रहा। नहीं भी, वर्कआउट तो करना है, फिर मैं पता करती हूँ। पता करती हूँ मतलब डिसाइडेड नहीं है? नहीं, टाइम डिसाइडेड नहीं है, मतलब 11 बजे की 12 बजे। तो जी, एक बार मेरी चाय खत्म हो जाए फिर मैं आपसे मिलती हूँ, जरा नहा लूँ, फटाफट तैयार हो जाऊँ वर्कआउट के लिए, फिर आपसे मिलती हूँ। अब धीरे धीरे जोश वापस आ रहा है, आई एम ओके, आई एम फीलिंग वेल, आई एम फीलिंग गुड। नहीं हुआ। आई विल फील गुड, आई एम फीलिंग गुड, लेट मी हैव माई शावर एंड आई फील बेटर एंड बेटर एंड बेटर। तो जी, पूजा मेरी हो गई है और मैं अभी आराम से थोड़ी देर बेबी के साथ टाइम स्पेंड करूंगी, क्योंकि इसके बाद है मेरा वर्कआउट, जो कि आप देख सकते हैं मैं अपने वर्कआउट मोड में आ चुकी हूँ। जस्ट डू इट, एक्सरसाइज तो खूब कर रही हूँ लेकिन सुबह नहीं उठने का मन करता, जैसे सुबह बहुत लो थी मैं लेकिन अब मैं ठीक फील कर रही हूँ। ये अंडा क्यों नहीं खा रही तू, एग क्यों नहीं खा रही, फिर तू लड़ेगी सबसे? काले में बाबा, नीलम बेबी काला खाएगी, लड़ेगी नहीं, वो देख फिर आ रहा है, वो भी आ रहा है, फिर लड़ पड़ेगी उससे। बेबी, तुम्हें एक वीडियो दिखाना है। कौन सा वीडियो? और ये पैंट पे तो जस्ट डू इट लिखा है लेकिन दिल के अंदर लिखा है डोंट डू इट। अच्छा ही लग रही, देखो डू इट, अंदर से आवाज आ रही डोंट डू इट, डू इट। अरे 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 अरे, अरे अंदर शावर में से दारू आ रही है क्या? इतना जोश? मैं एक वीडियो दिखाना चाहता। कौन सा वीडियो? कौन सा वीडियो है? ये चुचु कर दिया, चुचु कर दिया, चुचु कर दिया, चुचु कर दिया। कैंडी भी तो ऐसी थी। बेबी क्या रोज रोज ये लेके आ जाती है डराने के लिए मुझे? आए मेला बाबू, छोटी बाबू, छोटी बाबू। अच्छा लगा यार, तुम तो पता है एंक्शियस करती जा रही हो मेरे को और एवरी डे। मैं भी तो हो रही हूँ। बेबी सुनो ना, बड़ा आज डल डल सा फील हो रहा है मेरे को भी, कॉफी पिला दो। Oh, my baby is feeling dull. पहले the wife was feeling dull. Now the baby is feeling dull. आप खुजली क्यों रही है? मेरे हाथ से पैसा जा रहा है कि आ रहा है? थोड़ी कॉफी पिला दो, कॉफी पिला दो। चलो आओ, come on. मैं भी आऊँ। हाँ नहीं, तुम नहीं आओ, मैं अकेली बनाती रहूँ। आइए, follow me. कौन सी पियोगे? मेरा वही डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट, हाँ, मिल्क में। मिल्क में तुम कौन सी पियोगी? ऑब्वियसली आई गो विद हेजलनट। हेजलनट एक अच्छा फ्लेवर भी दे देगा एंड थोड़ा सा टेस्ट भी अच्छा कर देगा। बेबी दूध गिरते गिरते बचा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने गैस ही बंद कर दी। तो आप लोगों को तो पता ही है मेरा कॉफी के लिए प्यार, मैं डिफरेंट डिफरेंट कॉफीज ट्राई करती रहती हूँ। तो कुछ टाइम से मैं ये रेंज कॉफी यूज कर रही हूँ एंड आई लव द डिफरेंट फ्लेवर्स दे ऑफर। और इस कॉफी की सबसे अच्छी बात ये है दैट देयर इज नो शुगर, प्रिजर्वेटिव्स, कलरेंट्स और एडिटिव्स। And this is one of the best coffees I have tried in recent times. और baby, तुम तो इतना इंटेंस वर्कआउट करते हो कि तुम्हारे लिए परफेक्ट प्री वर्कआउट एनर्जी ड्रिंक है। बेस्ट पार्ट पता है क्या है? इट हैज लेस देन 5 कैलोरीज पर सर्विंग। और ये क्योंकि प्री वर्कआउट ड्रिंक अच्छा है तो तुमने अपने वर्कआउट के पहले तो बना लिया, मुझे सुबह नहीं दिया लेकिन। हाँ मैंने कर लिया, अगली बार ना इसकी कोल्ड कॉफी बनाएंगे। हाँ ठीक है, इसका तो कोल्ड कॉफी बहुत अच्छी बन सकती है। बॉस, इफ यू गाइज आर ऑल्सो कॉफी लवर्स लाइक अस ना, you must try these amazing flavors of Rage Coffee. Superb hai yaar. Main Rage Coffee ki website ka link description box mein dal dungi, which is www.ragecoffee.com. And you can use my coupon code
SAM20, which is SAM20, to get your special 20% off. तुम्हारा वर्कआउट कितनी देर में शुरू होने वाला है? देखनी ना, मेरा शुरू हो चुका है. मुझे तो लग रहा है तुम बैठे बैठे तीन चार कॉफी और पी जाओगी. ना, और ना, 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 ये कॉफी खत्म और मेरा वर्कआउट शुरू. और वहाँ पे कुत्ता बेहाल हो रहा है क्योंकि यहाँ पे अंडा पड़ा हुआ है. ले, ये किसका अंडा है? है तो किसी का नहीं, लेकिन चेरू. किसके लिए अंडा है? अंडा तो मुर्गी का ही होगा. अंडा उसने नहीं खाया, वो देखो वैसी बैठी हुई है. वो ना खा रही है ना किसी को खाने दे रही है, खाली है ना दरबान बन के बैठी हुई है अंडे की. जी वर्कआउट हो चुका मेरा, मैं तैयार हो गई हूँ क्योंकि मुझे जरा जाना है एक मीटिंग के लिए. और यही शर्ट पहनी है मैंने, मैंने क्यूटी वाली शर्ट पहनी है. मैं एकदम तैयार हूँ. अविनाश अगर मुझे मिलेगा तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा. तुम मिलोगे मुझे? हमें मिलूंगा, थोड़ी देर में मिलूंगा. मुझे एक बात, तो मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? तुम्हें नहीं लग रही? नहीं, मेरे को बिल्कुल भी नहीं लग रही. देखो मुझे, ये देखो टी शर्ट के कपड़े में कुछ ऐसा है क्या? नहीं तो. क्यों इतनी गर्मी लग रही है? क्योंकि तुमने फैन नहीं चलाया हुआ. सिंपल, ये बंद किया है. सिंपल. ये बता क्यों नहीं रही हो मुझे तुम? ये तुम्हें क्यों नहीं पता है? मैं काम कर रहा हूँ तो कौन ध्यान देगा? मतलब ये मैं ध्यान दूंगी कि इधर पंखा नहीं चल रहा है, ये भी बंद है, और मेरी बेबी को गर्मी क्यों लग रही है? और कौन देगा ध्यान? बहुत बड़ी वाली. God, I can't tolerate this man anymore. Oh my God. मेरे बच्चे, वो देखो वो भी गर्मी में झुलस रहा है. अच्छा गर्मी पड़ रही है तो कोई नहीं जा रहा प्रॉपर्टी में है? प्रॉपर्टी ऐसी पड़ी हुई है. चेरी वहाँ पे लेटी हुई है, कोको तो यहाँ पे लेटा हुआ है लेकिन अभी हाफ रहा है. और ये तो भैया मेरे पीछे ही छोड़ी. कब पता लगेगा बेटा, कब घुसेगी तू? कभी मेरे को मालूम पड़ेगा, टाइम आने वाला है. अपने को कब मालूम पड़ेगा टाइम आने वाला है? कोई दोगी कि नहीं, कोई बताओगी कि नहीं? टाइम आने वाला है, टाइम आने वाला है, टाइम आने वाला है, टाइम आने वाला है, टाइम 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 टाइम. भाग गई, डर गई. मैं आती हूँ बेबी. तो मैं चली अपने काम की ओर और थोड़ी देर में अविनाश से बाहर ही मिलती हूँ. मैं अविनाश को मिल गई हूँ. ड्राइव कर रही हूँ इसलिए आप लोगों की तरफ नहीं देख रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैं हम जो कुछ लेने जा रहे हैं वो आपको घर पे जाके दिखाएंगे. कुछ कैंडी के लिए ही है, बेबीज को सेफ रखने के लिए स्टैंड होते हैं ताकि वो एरिया से बाउंड्री से वो बाहर न जाए. सो वो जरा मैं कलेक्ट कर लूँ अपने फ्रेंड से, फिर आपको घर पे मिलती हूँ. बेसिकली प्लास्टिक के ग्रिल जैसे होते हैं? प्लास्टिक तो नहीं, आप पता नहीं. ग्रिल जैसा होता है ना कि बच्चे उसमें सेफ रहे. देखूंगी तो पता लगेगा कि प्लास्टिक है कि क्या है. और चेरी ने उस पर भी कब्जा कर लिया तो? नहीं, उसके अंदर तो आपका कब्जा हो जाएगा पूरा, आप खुद ही कब्जे में आ जाओगे उससे. अच्छा, बाहर मतलब बेसिकली ओपन केज जैसा है. हाँ, ओपन केज है ताकि वो बच्चे बाहर नहीं आए. अरे ये तो पोएट्री हो गई बीबी, केज ओपन है. वाह, अरे वाह, पोएट्री हो गई. ये किसने बोला था वर्ड, तुमने या मैंने? मैंने बोला था. भारी है क्या? नहीं नहीं, हल्का है, लेकिन वो थैली फट गई ना तो अब उठाना पड़ेगा उसको. ये बच्चे घुम्मी घुम्मी करके आ गए मम्मा के साथ. पता नहीं चेरी को क्या हुआ है. क्यों? बिल्कुल नहीं, वो हिली नहीं. बॉल फेंकी. हाँ, अपनी बॉल ली और वहीं बैठ गई. और दो तीन बार इसने ऐसा किया, फिर मैं ले आई वापस. क्यों? मालूम नहीं, चेरू कभी नहीं करती. चेरी क्या हो गया? एनर्जी लो है बेटा. क्या इसको? तो मैं इसकी दवाइयाँ वगैरह तो मैं बराबर दे रही हूँ. चेरू बाबू क्या हुआ? ऐसा नहीं करती, कभी भी नहीं करती. क्या हो गया चेरू? चलने को ही तैयार नहीं थी. जाओ पानी पियो. क्या हो गया? पानी तो पिया है इसने खूब. कहाँ? पानी तो पी के ही गई है ना नीचे. कैंडो मैडम भी नहीं, बिल्कुल ही नहीं चलना चाहती थी. तो जी अभी खोल के देख रहे हैं कि ये जो माल मसाला है ये क्या है, क्योंकि इसको असेंबल करना भी मेरे ख्याल से एक टास्क होगा. वो ये ठीक से कटा नहीं है बेबी. ये तो बहुत सारा ताम तंबूरा है भाई. अच्छा, ये एक एक करके ऐसा लगाना पड़ेगा बेबी, ऐसे जाएगा शायद. तुम्हें तो पता है कैसे लगता है, वरना पहली बार में कैसे तुम्हें आइडिया आया कि कोने पे लगेगा? वो लग गया है बस, मुझे कुछ पता नहीं है. तो इससे क्या ऐसे मतलब चौकोर सा वो बना देना है? हाँ, तो वो बनेगा ना इससे, छोटा सा एक वो बैरियर बन जाएगा ना उनके लिए. इधर से आपको वहां तक बनाना हो तो ये एक कितने सारे देखो. नहीं तो इसको धक्का देके गिरा नहीं देंगे? नहीं क्यों? बच्चे तो जब वो यहाँ तक एंड तक लग जाएगा, अगर ये बैरियर यहाँ से लगता है, सोचो यहाँ तक लग गया. हाँ, अब ये घूम के. हाँ, तो मैं सिर्फ बता रही हूँ. एक और सोचो, ये लग गया, ये यहाँ लग गया. हाँ, नहीं नहीं लग गया वो तो मुझे पता है, लेकिन ये जितना हल्का है ये तो बच्चे टकराएंगे तो गिर जाएगा ये. नहीं क्यों, आपको अभी लग रहा है. अच्छा, ये जब पूरा लग जाएगा. हाँ, अगर आपको इसको ये लग गया ठीक है. हाँ, अब आपको ऐसा नहीं लगाना है. आप क्या कर सकते हो, आप इसको यहाँ से वो कर सकते हो ना, ये बन गया. ओके, फिर इसको आगे ले जाओ, फिर इसको आगे ले जाओ. तो ये बेसिकली पूरा उसके घर के आसपास का बैरियर बन गया, बॉक्स हो गया पूरा. हाँ, पूरा बॉक्स बन गया. ओके, पता नहीं सेफ्टी के लिए. फिर मैं बहुत ज्यादा कन्विंस लग नहीं रहा हूँ इससे. क्यों नहीं लग रहे हो? ये तो बहुत सही चीज है. देखो जैसे ये मान लो ये मेरा जो हाथ है ये बच्चा है. हाँ.
ये गया खेलते 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 ये ऐसे टकरा गया। अरे अब भाई तुम कर ही गलत रहे हो। क्यों ऐसे नहीं हुआ ना, पूरा लगेगा तो तुमको मालूम पड़ेगा ना, ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छा लेकिन अभी बच्चे हुए नहीं है तो रोना रपा पहले बह गया, फिर तुम्हें करके दिखा रही थी। मैं कर नहीं रही हूँ अभी, अभी थोड़ी ना बैरियर बना के किसके किसको तुम्हें सुलाना है। वहां तुम सोगे बैरियर के अंदर, कैंडी को रखेंगे ना बैरियर के अंदर। क्यों वो रहेगी अच्छी तरह से, तुम्हें नहीं रखाएगी वो बैरियर के अंदर। ये संभालो अलग से टोकरियाँ, टोकरियाँ इसके साथ ही रखो ना, नहीं खो जाएंगी। वो जिस तरह से हालात दिख रहे हैं लग रही रैक हो जाएगी। ये लो ये रख दो, इसी में वापस डाल दो ना पूरा पैकेट तो सेफ रहेगा। मुझे ज्यादा मजा आया नहीं इसमें। ज्यादा आपको मजा लेने की जरूरत नहीं है, वो एकदम ठीक है, सही दिया है, आपके लिए बना भी नहीं है ये। और मैं आपको बता दूं कि ये गिफ्ट जो है बेसिकली काम की चीज, हबीबी के मम्मी पापा ने दिया है कि हमारे काम आ जाए, लेकिन उन्होंने हमारे काम के लिए दिया। यार वो लोग वैसे भी करते रहते हैं, सभी लोगों के लिए करते रहते हैं हबीबी के मम्मी पापा, तो इसलिए मेरे लिए भी किया है। हबीबी कितना सपोर्ट कर रहा है ना कैंडी को, बहुत सपोर्ट कर रहा है कैंडी को, उसकी सपोर्ट की वजह से तो ये सब हो रहा है जो कि हुआ नहीं है, जो कि हुआ नहीं है। बच्चे हुए नहीं, घेरने के लिए बाड़ा पहले ले आए। तुम देख रहे हो बेबी? मैं क्या, तुम देख रही हो क्या? मैं अभी अंदर आई हूँ, इसको ऊपर बिठाया है और वहाँ पे देखा तो ये देखो उसको घर चाहिए अपना है, उसके लिए घर ले दो। कहाँ घर लेके मैं रखूंगा? चलो ये इसी को दे देंगे एक बार, बच्चे बच्चे हो जाएंगे ना। हाँ तो ये मैं कहाँ मना कर रही हूँ, अभी भी तो मुझे लग रहा है, तो बैठ नहीं रही है। मुझे लग रहा है मौसी और उसके बच्चे ना इसी घर में रहेंगे, माँ ही बाहर रहेगी। घर के अंदर जाने कोई बात नहीं, जा मेरा बच्चा जा। बेटू कैसे देख रही है अंदर से? बहुत पाला बच्चा है भाई, अगर आपको छोड़ने छो जाओ, कोई बात नहीं, मम्मा आपको कुछ नहीं कहेगी। तो भैया चेरी ने ये गद्दा मल लिया है, अभी आती जाती रही मम्मा। चेरी ने तो अपना बेड आपको बता ही दिया है कि कौन सा है उसका बेड, और इसी बेड के साथ अब ये जो भी करेगी, इसकी इच्छा, कैंडी की जो इच्छा, बच्चे जो करना चाहते हैं, देखो बड़े बुजुर्ग तो कुछ कह नहीं सकते उस बात पे। तो इसी बात पे हम लोग आपसे विदा लेते हैं कल तक के लिए, तब तक के लिए डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल विच इज संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। दूसरा वाला भी मार लिया उसका, दूसरा वाला भी मार लिया बेबी। ये तो बेड बदल बदल के बैठ रही है भाई, ये पता नहीं क्या कर रही है, इसको दोनों पे घिराव करना है, दोनों प्लॉट्स ले। ऐसा अगर कोई आदमी हो जो रात भर उठ उठ के अलग अलग बेड पे सोए हैं? बेटा ऐसा कौन करता है? कुछ बोल रही है मुझे, मना मत कर माँ, नहीं किया नहीं किया, जा कर ले जो करना कर ले, जी ले अपनी जिंदगी, जा चिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, जा चिड़िया जा, जी ले अपनी जिंदगी।